डोंट इज विद द लीगल चैलेंज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आयुर्वेदा के अंदर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो। अभी हम 500 प्लस क्लाइंट्स को पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, चंडीगढ़, यहाँ से हमारे पास क्लाइंट्स है। और ये इंडस्ट्री है ना सबसे प्रॉफिटेबल फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में हेल्थ इश्यू बढ़ेंगे, डॉक्टर्स की जरूरत बढ़ेगी, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब आयुर्वेदिक का मार्केट शेयर बताता हूँ वो कितना है। आयुर्वेदिक इंडिया के अंदर 515 बिलियन रुपीस का मार्केट शेयर होल्ड करता है 2021 में, और आने वाले टाइम में मतलब 5 सालों के अंदर 2027 तक ये मार्केट 1500 बिलियन रुपीस प्लस का हो जाएगा। इस मार्केट में बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, देखिए सबसे पहले आपको चाहिए ट्रेडमार्क, ISO, कॉपीराइट प्राइवेट लिमिटेड। शुरुआत करते हैं ट्रेडमार्क से। आपको चाहिए ब्रांड का नेम जिसको आप रजिस्टर्ड करवा सको। एक चीज का ध्यान रखना, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड होगा क्लास 5 के अंदर और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन से ट्रेडमार्क के ऊपर और सारे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को, कि भैया अगर कुछ भी ट्रेडमार्क मिलता जुलता आ रहा है, सेम साउंड कर रहा है नेम, या फिर वो थोड़ा सा भी है ना आगे पीछे मिलता जुलता है, तो तुरंत उसको रिफ्यूज करो या मार्केट में उसका अलाउ मत करो। तो आपको ट्रेडमार्क लेते समय कॉइन नेम का यूज करना है। अब कॉइन नेम के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे जाके चेक कर लेना, सर्च कर लेना। नहीं समझ में आ रहा ट्रेडमार्क चाहिए तो इस नंबर पे हमें कॉल करो, हम आपको कॉइन नेम से लेके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तक मदद करेंगे। उसके बाद जितने प्रोडक्ट्स आप मार्केट में उतारोगे ना उतने आपको ट्रेडमार्क्स चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। हम हमारे आयुर्वेदिक क्लाइंट्स के एंड फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को पूरा मैनेज करते हैं, जहाँ पे हम हर चीज़ का ऑडिट रखते हैं, चेक रखते हैं कि उनके कितने प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर जा रहे हैं और क्या उनके ट्रेडमार्क फाइल हुए या नहीं हुए और उनके कॉइन नेम है या नहीं है, जिससे हमारे क्लाइंट्स को इश्यू ना आए। तो ये ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। दूसरी चीज आती है ISO। ISO आपकी क्वालिटी को सर्टिफाई करता है। आपको एक्सपेंशन करना है, पैन इंडिया जाना है, तो ISO भी आज के टाइम में रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी। काफी सारी कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूटर, गवर्नमेंट एजेंसीज आपसे ISO का सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो ISO आपको चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, बहुत कम अमाउंट के अंदर आपका ISO हो जाता है। तीसरी चीज है प्राइवेट लिमिटेड। अब ये क्यों, आयुर्वेदिक बिजनेस के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको फंड रेस करना है, लोन चाहिए, ग्रोथ करनी है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड बनानी पड़ेगी। और देखिए हर इन्वेस्टर, हर बैंक यहाँ पे पैसा डालने को रेडी है, क्यों, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और मार्केट बहुत बड़ा है। अब आपको चाहिए होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट कैसे काम आता है, जो आयुर्वेद की मेडिसिन होती है ना या फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन होती है, जो कवर होता है, कवर का आपका कॉपीराइट फाइल होता है। अब इसमें आपको एडिशनल प्रोटेक्शन मिलती है, कंपटीशन इजीली आपके कवर एंड पैकिंग को कॉपी नहीं कर पाता है, तो कॉपीराइट भी आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए होता है पेटेंट। अगर आप मेडिसिन का फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स और नया लेकर आए हो कि ऐसा फॉर्मूला मार्केट के अंदर पहला नहीं आया है, तो उस चीज़ का पेटेंट फाइल कर सकते हो। पेटेंट से क्या होता है, मार्केट में मोनोपोली आती है 20 साल के लिए आपकी, तो पेटेंट फाइल करना भी बहुत जरूरी है अगर आपको मोनोपोली एंजॉय करनी है और पैसा बनाना है इस मार्केट के अंदर। पेटेंट के अंदर भी हम हमारे क्लाइंट्स को मदद करते हैं, सीधा इस नंबर पर कॉल करो, मेरी टीम आपको पेटेंट फाइलिंग से लेके, पेटेंट सर्च से लेके हर चीज के अंदर मदद करेगी। अब बारी आती है ड्रग लाइसेंस की। क्या ड्रग लाइसेंस इस इंडस्ट्री के अंदर लेना जरूरी है? देखिए अगर आप फार्मास्यूटिकल का बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, तो ड्रग लाइसेंस चाहिए। बट आयुर्वेद के अंदर क्या होता है, कई बार फूड आइटम्स का यूज करके हम दवाई बना देते हैं, तो वहां पे ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, फसाई के लाइसेंस से काम हो जाता है। बट आपको किसी कंसल्टेंट से चेक करवाना पड़ेगा, क्या जो आप मेडिसिन तैयार कर रहे हो वो फूड से प्रॉपरली हो रही है या फिर वहाँ ड्रग इन्वॉल्व हो रहा है। ड्रग इन्वॉल्व हो रहा है तो ड्रग लाइसेंस आपको चाहिए। और इसके अंदर भी दो चीज़ें होती है। लेट सपोज मैं मार्केटर हूँ, आपने कहीं मेडिसिन के पीछे देखना लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस, मार्केटेड बाय दिस, तो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी है ना उनको ड्रग लाइसेंस चाहिए, बट जिन्होंने मार्केटिंग करी है उनको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो वहाँ पे 4-5-10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। बड़ी यूनिट डालनी है तो 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर वहाँ पे आपको ड्रग लाइसेंस, सारे दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए होते हैं। बट सिर्फ मार्केटिंग करनी है तो ज़्यादा लाइसेंस नहीं चाहिए होते, ट्रेडमार्क, कंपनी फॉर्मेशन करके सारे काम आप चालू कर सकते हो। अगर आपको आयुर्वेद का बिजनेस चालू करना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस चालू करना है, तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको पूरी मदद करेगी, राइट फ्रॉम कंसल्टिंग, मार्केटिंग, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज के अंदर, जिससे आप इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस लॉन्च कर पाए। और जानने के लिए इस नंबर पर हमें कॉल करो, हमारी वेबसाइट sonisvision.in के ऊपर विजिट करो, वहां पे हमने सारी इंफॉर्मेशन डेटा अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।